छत्तीसगढ़ के बालको निवासी समाज सेवी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी अशोक यादव का निधन हो गया। उनकी अंतिम यात्रा में भारी तादाद में लोग शामिल हुए। अशोक यादव के शव को उनकी बहनों ने ही कंधा देकर शमशान घाट तक पहुंचाया। वहीं एकलौती बिटिया ने अपने पिता को मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार किया। समाज सेवा में अपनी भूमिका निभाने वाले और बालको के सुप्रसिद्ध श्रमिक नेता स्वर्गीय विक्रम सिंह यादव के सुपुत्र अशोक यादव का कल तिल्दा में आकस्मिक निधन हो गया। तिल्दा में रहकर एक कंपनी में ठेकेदारी करने वाले अशोक यादव का शव उनके बालको स्थित आवास लाया गया, जहां उनकी अंतिम यात्रा शमशान घाट के लिए शुरू हुई। लोगों की आंखें उस वक्त नम हो गईं जब स्वर्गीय अशोक की बहनों ने भी उन्हें कंधा दिया। अपने प्रिय भाई को शमशान घाट तक ले जाने वाली बहनों का रुदन लोगों की आंखें नम करता रहा। और फिर जब अंतिम संस्कार का समय आया तो अशोक यादव की इकलौती बेटी खुशी ने जब पिता के शव के चारों ओर भ्रमण करते हुए उन्हें मुखाग्नि दी, तब लोग सिसक उठे। अशोक यादव की अंतिम यात्रा में शामिल हुए लोग कहते हुए गए कि उन्होंने अपना एक सच्चा हमदर्द खो दिया। सच कहने का मादा रखने वाले अशोक यादव की कमी उन्हें ता जिंदगी खलेगी। स्वर्गीय अशोक यादव को शमशान घाट में उपस्थित सैकड़ों लोगों ने मौन रखकर उन्हें अश्वपूरित श्रद्धांजलि दी। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए बालको से कंकड़ शर्मा की रिपोर्ट।